और यहाँ पे कुकी अभी भी पहरेदार बन के बैठा हुआ है, उसने अपना खाना फिनिश भी कर लिया, पेट भर के खा लिया, फिर भी इस बेचारे की भूख मरती नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जॉली एंड स्ट्रांग सोल। मैं सुबह सुबह लगी हूँ ब्रेकफास्ट बनाने के चक्कर में। जब आपकी मेड नहीं आती है और आपको 3 टाइम खाना बनाना पड़ता है तो आपकी लग जाती है, लिटरली आपकी लग जाती है, विथ 2 kids आपकी लिटरली लग जाती है। सो, मैं अभी ऑमलेट बना रही हूँ, उसके बाद देखते हैं आज का सीन क्या होता है। बने रहिएगा मेरे साथ। ऑमलेट कितना मस्त लग रहा है ना दिखने में। वर्कआउट पार्टी किया, आज हम लोग पोस्ट वर्कआउट प्रोटीन बार और कॉफी पार्टी कर रहे हैं। दोनों के दोनों ही खा जाएगी। बहुत भूख लग रहा है, मुझे भी बहुत भूख लग रहा है, चल खाते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं अभी घर जा रही हूँ। आज जिम में मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जन से मिली, जो कि मेरी जिम पार्टनर भी है और एक बहुत अच्छी ट्रेनर भी है। वी डिसाइडेड दैट सून वी आर गोइंग टू कवर दिस टॉपिक, सिंस आई हैव गॉट सो मेनी ऑफ क्वेरीज रिगार्डिंग पोस्ट प्रेगनेंसी, कैसे वर्कआउट स्टार्ट किया जाए, कैसे डाइट स्टार्ट किया जाए। सो वी आर गोइंग टू कवर दिस टॉपिक वेरी सून। आशा करती हूँ अच्छा होगा, हेल्पफुल होगा, स्पेशली जो औरतें नई नई माँ बनी है या फिर वर्कआउट स्टार्ट करने का सोच रही है उनके लिए। बेसिकली होप इट विल बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। और फिलहाल मैं घर जा रही हूँ, घर जाके मुझे फिर से कुकिंग करना पड़ेगा, मेरी जिंदगी तक कुकिंग में ही चली जाएगी। एनीवेज, आप बने रहिएगा मेरे साथ। सो, अभी मैं प्रॉन मलाई करी बनाऊंगी। प्रॉन मलाई करी एक बहुत ही फेवरेट बंगाली डिश है, जो कि प्रॉन और कोकोनट मिल्क से बनती है। सो, मैंने यहाँ पे प्रॉन धो के रखा है, ये मेरा ऑनियन पेस्ट है और ये है मेरा कोकोनट मिल्क, जिसमें मैं थोड़ा सा नॉर्मल मिल्क मिक्स करने वाली हूँ। आप चाहो तो नॉर्मल मिल्क नहीं भी मिक्स कर सकते हो, और ज्यादा कोकोनट मिल्क ऐड कर सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू। सो, अभी मैं कुकिंग स्टार्ट करूँ। सो, मेरा पैन रेडी है। मैंने कुकिंग करने के लिए एक शैलो पैन चूज किया है आज, मुझे इसी में कुकिंग करने का मन था क्योंकि अमाउंट बहुत कम है। एंड नाउ आई एम गोइंग टू ऐड लिटिल बिट ऑलिव ऑयल। अभी इसमें मैं थोड़ा सा जीरा डालूंगी, आप चाहो तो जीरा नहीं भी डाल सकती हूँ। सिंस मेरे पास चिली जिंजर गार्लिक पेस्ट खत्म हो गया है, इसीलिए मैं ये जीरा डाल रही हूँ ताकि थोड़ा सा मुझे टेस्ट मिले। और अभी मैं अपना ऑनियन पेस्ट ऐड कर रही हूँ इसमें। थोड़ा देर के लिए ऑनियन पेस्ट ऐड करके मैं थोड़ा देर के लिए चलाऊंगी, उसके बाद मैं अपना प्रॉन्स ऐड करूंगी। और ये मैंने प्रॉन्स को ऐड कर लिया है, जस्ट मैंने थोड़ा सा ही चलाया है, प्रॉन्स अभी भी कच्चे हैं। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू सिम द गैस एंड आई एम गोइंग टू कवर इट 5 to 10 minutes, ये कवर रहेगा ताकि प्रॉन जो है वो कुक हो जाए, एंड देन आई एम गोइंग टू ऐड ऑल द अदर स्पाइसेस ओवर इट। मीनवाइल, उसका खाना रेडी हो गया है लेकिन एकदम गर्म है। सो, कुकी को भूख लगा है, कुकी को खाना चाहिए अभी के अभी।
कि 10 मिनट बाद मैंने देखा कि मेरी प्रॉन जो है वो कुक हो चुकी है और काफी पानी अभी भी छूट रहा है। सो अभी मैं मसाले डाल के मिक्स कर अच्छे से फ्राई करने वाली हूँ। नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च, कोरिएंडर पाउडर, ये सब डाल के मैं थोड़ा सा अभी इसको और फ्राई करने वाली हूँ। सो मैंने मसाले देके अच्छा से इसको फ्राई किया है। आप देख सकते हैं इसका रंग कितना अच्छा आया है। नाउ इट्स टाइम टू डू द फाइनल थिंग, दैट इज टू एड द कोकोनट मिल्क, द कोकोनट मिल्क एंड द नॉर्मल मिल्क मिक्सचर इनटू इट। सो आफ्टर एडिंग द कोकोनट मिल्क यू हैव टू कीप योर गैस ऑन सिम ताकि ये ग्रेवी जो है वो सूख ना जाए। इट्स कमिंग, इट हैज कम आउट सो वेल। सो आई विल जस्ट लेट इट बॉइल फॉर 2 मिनट्स एंड देन आई शो यू द फाइनल रिजल्ट। सो मेरी प्रॉन मलाई करी एकदम गरम गरम रेडी है। थोड़ा सा ग्रेवी ज्यादा रखा क्योंकि हम लोग राइस के साथ लेने वाले हैं। मेरे घर वाले इस ग्रेवी ज्यादा पसंद करते हैं। इट्स लुकिंग सो यम। अभी भी पहरेदार बन के बैठा हुआ है, उसने अपना खाना फिनिश भी कर लिया, पेट भर के खा लिया, फिर भी इस बेचारे की भूख मरती नहीं है। जाओ तुम सोने जाओ, तुम्हारा खाना हो गया, लंच इज ओवर, सोने जाओ। देखो कैसा भुक्कड़ पार्टी है ये। Much later. So friends, कल रात हम लोगों ने बहुत कोशिश की लोग अपना दिया बनाने का काम शुरू करे, लेकिन जो जगह में हम लोग बनाने वाले थे वो लॉक था, इसलिए हम लोग का प्लान पूरा खुश हो गया। आज रात को है हैलोवीन की नाइट, आज रात को हम लोग दिया बनाने वाले हैं, लेकिन फिर भी कल हम लोगों ने एक सैंपल दिया, सैंपल बनाने का कोशिश किया, पॉट दिया एंड विच टर्न्ड आउट सो वेल। सो आज हम लोग इस बैग्स भरने से लेके पेंटिंग तक का प्रोसेस हम लोग आज करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे। सो बने रहिएगा जॉली एंड स्ट्रॉन्ग सोल के साथ और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।